उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक मुस्लिम युवती के साथ बस में मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि गजरौला थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक का ये मामला है, जहां चांदपुर से आ रही पीड़ित युवती ने बताया कि उसके साथ बस में दबंगों ने मारपीट की और रेप तक की धमकी भी दी। खुद पीड़िता की जुबानी सुनिए उसने क्या कुछ बताया। मैं मुझे कंडक्टर ने सीट दिलाई थी, तो जिस पर मैं बैठने वाली थी उसमें दो लड़कियां ऑलरेडी पहले से बैठी हुई थी, तो उनमें से एक लड़की बैठ गई, तो मैंने उसे कहा कि मेरे लिए सीट खाली कराइए, आप उठ जाओ। इतनी बात कहने पे उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मेरे साथ मारपीट करने लग गई। मारपीट होने के बाद सबने शांत करा दिया, हम चुप होकर बैठ गए। और ये क्षेत्र पड़ता है गजरौला, यहाँ पर आते ही उन्होंने कुछ गुंडे बुला लिए जिसमें 10-15 लोग थे, और उन्होंने आकर सबने मुझे बस में मारा और किसी ने मुझे नहीं छुड़ाया। और यहाँ तक कि वो लड़की हिंदू थी और मैं मोमडन हूँ। बता दें कि पीड़ित महिला दिल्ली की रहने वाली है और चांदपुर अपने रिश्तेदार के पास मिलने आई थी। वापसी में लौटते वक्त बस से जा रही थी और रास्ते में बस में सीट पर बैठने को लेकर तीन युवतियों में झगड़ा हुआ था। यहाँ तक कि वो लड़की हिंदू थी और मैं मोमडन हूँ, तो यहाँ पे ज्यादातर धर्म जाति को लेकर ज्यादा विवाद हो रहा है, तो मुझे धमकी दी, रेप कर देंगे, ये कर देंगे, अभी तो इतने पे ही छोड़ रहे हैं। और मुस्लिम होने की वजह से मुझे ज्यादा मारा गया है और मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। अभी मैंने थाने में कंप्लेन दे दी है और पुलिस खड़ी हुई तमाशा देख रही है और मैं उनसे हेल्प मांग रही हूँ, तो कह रहे हैं थाने में जा रही हूँ, तो कह रहे बाहर जाओ। यहाँ योगी सरकार ऐसी आ गई है जो कि मोमडन मुस्लिमों की कोई हेल्प नहीं हो रही है, ऐसी सरकार। ये झगड़ा पहले कहा सुनी से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई पर उतर आई। शोर हुआ तो बस को रोक दिया गया, जिसके बाद उससे इस तरह की बदसुलूकी की गई। पीड़ित महिला को लहूलुहान कर दिया गया और अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें पीड़ित महिला साफ साफ ये कहती नजर आ रही है कि उसके धर्म के कारण उसे इतना मारा गया। इस मामले पर अमरोहा पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि महिला के तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और किसी भी गलत सूचना को फैलाने और उनसे बचने की अपील भी की गई है।